हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही हिटलर को उसकी माँ से काफी ज्यादा प्यार मिला था, जिस वजह से वो काफी एरोगेंट और जिद्दी हो गया था। हिटलर के पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर उन्हीं की तरह एक सिविल सर्वेंट बने, लेकिन हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिस वजह से हिटलर और उसके पिता के बीच कुछ खास नहीं बनती थी। हिटलर की फैमिली में उसके अलावा उसके चार और भाई बहन थे। साल 1903 में अपने पिता की मौत का हिटलर के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा था। हिटलर पढ़ने में कुछ खास अच्छा नहीं था, वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में फेल होता रहता था। पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से हिटलर ने 16 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और उसने वो कभी वापस ज्वाइन भी नहीं किया। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में उसे काफी इंटरेस्ट था। स्कूल छोड़ने के बाद भी वो खुद ही हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ा करता था। हिटलर अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोज अपनी माँ से था और वो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर 21 दिसंबर 1906 के दिन उसकी माँ की मौत हो गई थी। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद हिटलर काफी डिप्रेस्ड और चिड़चिड़ा हो गया था। तो कुछ ऐसे ही दिलजले 2 के विलन की जिंदगी में भी हो सकता है, जहाँ अपनी माँ के जाने के गम में आवारागर्दी करने वाले इस बंदे को दुनिया से नफरत होने लगेगी। वैसे हिटलर का सपना था कि वो एक आर्टिस्ट बने और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 2 बार वियना स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए एग्जाम दिया था, लेकिन वो दोनों ही बार फेल हो गया था। वो अपना सब कुछ खो चुका था और सडनली उसके ऊपर गरीबी छा गई थी। उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं था, वो ऑस्ट्रिया की रोड्स पर भटकता रहता था। अपने लोवेस्ट टाइम पर हिटलर अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। वो कभी भी गुस्सा करने लगा था और कभी भी किसी से भी झगड़ने लगता था। वो एक दिन नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाला आदमी बन गया था। वो अपने आगे किसी के चलने नहीं देता था और हमेशा सिर्फ अपने मन की ही करता था। तो दिलजले 2 में भी हिटलर की तरह कोई फिल्म का विलेन इसी गरीबी से परेशान हो जाए, जहां उसके पास खाने के लिए ना तो कुछ होगा ना रहने के लिए कोई जगह होगी, सब लोग उसकी इंसल्ट करें और उसे अनाथ बुलाएं। देखा जाए तो साल 1903 से लेकर 1913 तक हिटलर का बुरा समय ही चलता रहा, लेकिन उसने इतने सालों में बहुत स्ट्रगल किया। उसके साथ सब कुछ सही तब हुआ जब उसने World War I में जर्मनी की तरफ से लड़ने के लिए वॉलंटियर किया था। World War I में अपनी बहादुरी के लिए हिटलर को जर्मनी के सबसे बड़े ब्रेवरी अवार्ड आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था, लेकिन साल 1919 में जर्मनी ये वॉर हार गया था और उसे वर्सेलेस की ट्रीटी पर साइन करना पड़ा था। ये सब चीजें हिटलर के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग थी और उसने ठान लिया था कि वो जर्मनी के इंसल्ट का बदला बाकी की कंट्री से जरूर लेकर रहेगा। जिस तरह से हिटलर ने अपनी इंसल्ट का बदला लेने का फैसला किया, कुछ उसी तरह से दिलजले 2 में फिल्म का विलन धोखे का बदला ले और यहां से तबाही शुरू होगी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और वहां पर कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर बचा ही नहीं था जिस पर वहां की जनता भरोसा कर सके। इसी बात का फायदा उठाकर हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जिसे हम आमतौर पर नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। हिटलर के अंदर एक खास क्वालिटी थी, वो काफी अच्छा बोलता था और अपनी इसी क्वालिटी की मदद से उसने अपने पूरे जर्मनी को ये यकीन दिला दिया था कि वो उनके खोए हुए सम्मान को वापस दिलाएगा और जर्मनी के अपमान का बदला भी लेगा। हिटलर ने जर्मनी के लोगों से कहा था कि तुम मुझे सत्ता में लाओ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जर्मनी अगले 1000 सालों तक पूरी दुनिया पर राज करेगी। सत्ता में आने के लिए हिटलर अपने ऑपोजिशन लीडर्स को किडनैप करवा लेता था और उन्हें गन पॉइंट पर हिटलर को अपना लीडर मानने के लिए कहता था और ऐसा ना करने पर वो उन्हें मार भी देता था। ऐसे करते करते हिटलर सत्ता में आ गया। सत्ता में आने के बाद हिटलर ज्यूस लोगों को मारने लगा था और वर्सेलेस की ट्रीटी को भी उसने तोड़ दिया था। फिर हिटलर ने अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर अनाउंस कर दिया और फिर उसने World War II भी स्टार्ट कर दी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि बचपन में मासूम सा दिखने वाला हिटलर बड़ा होकर इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार होगा। दोस्तों, दिलजले 2 में भी हमें हिटलर की तरह ही कोई मासूम और सीधा साधा बंदा आगे चलकर एक बहुत बड़ा खतरनाक विलन बनता हुआ दिख सकता है। अब देखते हैं कि इस फिल्म के लीडर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है यश।